प्रेगनेंसी के टाइम में हमारे साथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारे पेट में इतने सारे चेंजेस होते हैं कि हम जो है इन चीज़ों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। जिन जिन महिलाओं की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनके लिए तो ये सब सारी एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल नई नई होती है। तो इन्हीं में से एक चीज़ है हमारी नाभि का बाहर आना। कई महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम में जो है नाभि बाहर आ जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं में नाभि जो है अंदर रहती है। तो ये क्यों आती है, इसके क्या कारण है और इसके क्या उपाय हैं, तो चलिए, और क्या जो है इसे हम जेंडर प्रेडिक्शन के साथ जोड़ सकते हैं, तो चलिए फ्रेंड आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बगल में बेल आइकन होगा इसे भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो प्रेगनेंसी में जो है हमारी नाभि जो है बाहर की तरफ आ जाती है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके क्या कारण हैं। जैसे हम कंसीव करते हैं हमारे गर्भाशय में बेबी का आकार बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी का समय बढ़ते जाता है हमारा जो है बेबी हमारे पेट में डेवलप होने लगता है, तो उसका विकास होने लगता है, बेबी बड़ा होने लगता है, प्लस बेबी का जो है उसमें प्लेजेंटा रहता है, एम्बिलिकल फूड रहता है, वो जो है हमें बाहर की तरफ धक्का देने लगता है हमारे पेट में, जिसके कारण जो है एम्बिलिकल फूड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, प्लेजेंटा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे गर्भाशय में, और बेबी का आकार तो बढ़ता ही है, प्लस हमारे शरीर का भी जो है वेट पुट ऑन होने लगता है, जिसके कारण जो है हमारी प्रेगनेंसी में जो है हमारी नाभि जो है बाहर आ जाती है। लेकिन कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि जिन महिलाओं की जो है नाभि जो है देखिएगा प्रेगनेंसी से पहले भी ये थोड़ी थोड़ी बाहर रहती है, तो उन महिलाओं में जो है ये नाभि का बाहर आना ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी नाभि जो है पहले से ही बाहर रहती है तो वो जो है प्रेगनेंसी के टाइम में और ज़्यादा बाहर आ जाती है। लेकिन कुछ महिलाओं में क्या होता है कि उनकी नाभि जो है अंदर की तरफ ज़्यादा रहती है, तो उन महिलाओं के साथ ये होता है कि उनकी नाभि जो है बाहर तो आएगी बट उतनी नहीं आती है, थोड़ी मात्रा में ही आती है। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में भी यही हुआ था कि मेरी जो नाभि है वह बाहर आई थी, क्योंकि मेरी नाभि जो है अंदर की तरफ थी तो वो बाहर आई थी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं आई थी, बस थोड़ी मात्रा में आई हुई थी। कई महिलाओं में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में नाभि के आसपास का जो एरिया है उसमें खुजली होने लगती है, दर्द की समस्या हो जाती है, और जो है मतलब उसमें जो है कभी कभी क्या होता है कि पीला पीला मल जैसा निकलने लगता है, दाग जैसा होने लगते हैं। तो इसके क्या कारण होते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे नाभि का, क्योंकि नाभि के साथ ही हमारे बेबी का जो है प्लेजेंटा जुड़ा हुआ रहता है, अम्बिलिकल फूड की मात्रा जो है उसके साथ जुड़ी होती है। प्लेजेंटा के थ्रू ही हमारे बच्चे को सारे न्यूट्रिशंस पहुंचते हैं, जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो सारे न्यूट्रिशंस प्लेजेंटा के थ्रू ही पहुंचते हैं हमारे बेबी को। तो क्या होता है कि जब भी प्लेजेंटा जो है वर्क करता है तो वो जो स्वाभाविक सी बात है कि वो नाभि से ही कनेक्ट रखता है, तो नाभि के आसपास के एरिया में कई महिलाओं के साथ क्या होता है कि खुजली की समस्या होने लगती है, इचिंग की समस्या होने लगती है, और वो जो है वहाँ पे दर्द की समस्या भी होती है। तो अगर खुजली की समस्या हो रही है तो आप जो है उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है आप जो वहाँ पे नारियल का तेल यूज़ कर सकती हैं, आप जो है जो भी मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज कर रही हैं वहाँ पे मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई कीजिए। अगर आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या रह रही है तो आप जो है इस टाइम पे अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर कर सकती हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर चेकअप करके बता सकते हैं कि ये दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन ये दर्द जो है हल्का फुल्का जो है स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो है हर एक महिलाओं के साथ नाभि के एरिया में दर्द होता है, लेकिन जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी का टाइम गुजर जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो आप जो देखिएगा ये दर्द भी ख़त्म हो जाता है और प्रेगनेंसी में जो भी ये नाभि जो है बाहर आई थी वो भी धीरे धीरे अपने साइज में आ जाती है, अपने रूप में आ जाती है और वो अंदर की तरफ चली जाती है। तो कई लोग जो है इसे जेंडर प्रेडिक्शन के साथ भी जोड़ते हैं कि अगर नाभि जो है हमारी बाहर आ गई तो हमने जो है बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है, और कई महिलाओं में जो है नाभि अंदर की तरफ है तो हमने जो है बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। देखिए फ्रेंड इसमें कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, क्योंकि जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ था तो उस टाइम पर मेरी जो नाभि थी वो अंदर की तरफ ही थी, लेकिन मैंने जो है बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ था, तो इसमें कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है और कोई भी आधार नहीं है। ये सब जो चीज़ें हैं, नाभि का अंदर आना और नाभि का बाहर रहना, ये जो है प्रेगनेंसी के टाइम में एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब हमारा पेट में बेबी का आकार बढ़ेगा
तो हमारा पेट जो है बाहर की तरफ जाएगा, तो जिससे जो है हमारा नाभि जो है वो भी बाहर की तरफ ही जाएगा, लेकिन कुछ महिलाओं में जो है ये जो है नाभि अंदर की तरफ ही रहती है। तो इसे जो है हम कहीं भी जो है जेंडर प्रिडिक्शन के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, इसे जो है हम कहीं भी लिंग के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, कि क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये प्रेगनेंसी में होती ही है, और ये सब चीज़ें होना प्रेगनेंसी के टाइम में एक स्वाभाविक बात है। प्रेगनेंसी में नाभि का बाहर आना ये लड़का का संकेत नहीं देता है, और अंदर आना लड़की का संकेत बिल्कुल भी नहीं देता है। प्रेगनेंसी के टाइम में नाभि अंदर या बाहर ये सब चीज़ें हमारे साथ होती ही हैं। 90% महिलाओं में जो है उनकी नाभि जो है बाहर की तरफ होती ही है, क्योंकि उस समय जो है 9 महीने तक हमारा पेट जो है बहुत बड़ा आकार ले लेता है, हमारा वेट जो है 10-12 किलो आराम से जो है पुट ऑन हो जाता है, जिसके कारण जो है नाभि बाहर आना एक स्वाभाविक सी बात है। और नाभि में खुजली होना, नाभि में इचिंग होना, जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ेगी, हमारा बेबी डेवलप होगा, हमारा पेट का आकार बढ़ेगा, तो वो जो है वहाँ पे त्वचा पे जो है खिंचाव महसूस होगा, त्वचा भी जो है फैलेगी, हमारा पेट भी जो है फैलेगा, तो जिसके कारण जो है वहाँ पे इचिंग, दर्द, ये सब समस्या हमारे प्रेगनेंसी के टाइम में चलती है। लेकिन जैसे ही हमारी डिलीवरी हो जाएगी, 1 महीना के अंदर जो है ये सब सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं, हमारा पेट जो है वो पहले की तरह रूप में आ जाता है, नाभि जो है वो भी पहले की आकार में आ जाती है। तो इसे जो है हम कहीं जेंडर प्रेडिक्शन के साथ नहीं जोड़ते हैं। तो जैसा कि गर्भवती महिला आप जो हैं इन चीज़ों को समझ गई होंगी, तो अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।